मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेचा व्लॉग्स। भाई बज रहे सुबह के 8, मैं उठ गई थी 7 बजे, प्रेरक सर भी 7 बजे उठ गए। प्रेरक सर तो अभी ऑफिस के लिए निकल भी गए। मैंने आपको बोला था ना कल रात वो लेट आया था, तो कल रात फैक्ट्री में नाइट चालू थी, तो अभी सुबह जल्दी गया है वो, क्योंकि पूरी नाइट वो अभी सोने के लिए आया था, तो सुबह जल्दी जाना तो बनता ही बनता है, तो वो सुबह 7 बजे का चला गया है। और मैं 2 बार ना नीचे अमूल में जाके आई सुबह। एक्चुअली में घर में दूध खत्म हो गया था, उसको दूध पीना था, थोड़ा ही पड़ा था, चाय बन सके उतनी, लेकिन उसको बॉर्नविटा पीना था। तो मैं नीचे है ना सुबह 7 बजे मैं उठी और नीचे गई फ्रेशन अप हो गई, तो 7:05 पे मैं अमूल में गई, बंद था। मैंने बोला चल ठीक है प्रेरक दूध नहीं है तो चाय पी रहा, बोल रहा है ठीक है फैक्ट्री में भी चाय पीता हूँ इधर भी चाय पीता हूँ। उसने चाय पी, फिर मैं वो निकला जब 7:30 बजे, तब मैं फिर से गई अमूल में, फिर से अमूल बंद। भाई अमूल वालों 6 बजे खोल दिया करो यार अपनी दुकान, हम जैसे लोगों को दूध के बिना रहना पड़ता है, ऐसा सब कुछ हो गया तभी तो प्रेरक से चलेगा। मैं नहा धो के ऑल सेट हो गई, अभी नीचे जाती हूँ पूजा करती हूँ, क्योंकि ना देखो अभी फोन चार्जिंग में पड़ा है, इसलिए फोन तो ऊपर ही रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 100% ना हो जाए तब तक मैं फोन मेरा निकालती नहीं हूँ चार्जर से। तो चलते हैं नीचे, पूजा वूजा करते हैं, फिर ऊपर आते हैं, और फिर इतनी सुबह सुबह में रील शूट करते हैं, कुछ काम है नहीं, क्योंकि देखो मम्मी पापा आशु दादा कोई उठे ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं कि प्रेरक चले गए हैं ऑफिस, और हम लोग उठ गए, तो मैं इनसे दिया करके ऊपर आ जाती हूँ। अभी देखो यार सन की सो रही थी सुबह सुबह, अभी सन स्लैप हो रहा है, इतना प्यारा सा सनलाइट आ रहा है, लेकिन है ना झापट मार रहा है सन मेरे गालों पर। तो अभी बज रहा है सुबह के 9 और मैं आ गई फिर से ऊपर, दूध नहीं था तो दूध लेके मम्मी आए सुबह सुबह 8 बजे, उन लोगों ने दुकान खोली अपनी, तो 8 बजे मम्मी दूध लेके आए, तो हम लोगों ने दूध पिया, मतलब मैंने दूध पिया, मम्मी ने चाय नाश्ता किया। अभी मैं ऊपर आई थी इधर रील शूट करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा चाय नाश्ता कर रहे हैं और आशु अभी तक सो रही है, तो अभी अपन थोड़ी देर रील शूट करते हैं। 9:05 हुई है और मैंने टी शर्ट डाल दी, नीचे तो लोअर वैसे का वैसा डाला, टी शर्ट डाली हुई है, लिपस्टिक की है, और मैंने की कर दी है मेरी लाइनर, और थोड़ी सी मोटी वाली की, क्योंकि मैंने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ है। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली सारी लड़कियों को, सारी दुनिया की सारी लड़कियों को ब्लैक कलर तो पसंद आता ही आता है, राइट गर्ल्स। तो अभी थोड़ी बहुत रील शूट करते हैं, और मैंने ना बाहर मेरे नेल पॉलिश का पूरा डब्बा निकाल के रखा है, उसमें से जो सूख गई हो नेल पॉलिश उसको फेंक देते हैं और बाकी नई लाते हैं। नेल पॉलिश तो नई लानी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो भाई मेरे को ऐसी ना आधी आधी हो जाती है ना नेल पॉलिश, ऐसी पसंद नहीं है। बाय द वे ये नेल पॉलिश इतनी हो गई है, ठीक है, ये मैंने खरीदी थी बहुत महंगी, मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट की थी, लेकिन बहुत महंगी थी ये, तो भाई महंगी लो या सस्ती लो ये ऐसा तो होने ही वाला है। अभी उसके ऊपर जो उसका कोटिंग आता है वो लगा तो नहीं होएगा, लेकिन भाई अभी करते हैं रील शूट और जाते हैं फिर नीचे। वीडियो वगैरह तो शूट कर दी आज, तो मैंने सॉन्ग पे नहीं लेकिन डायलॉग पे वीडियो शूट की, और टाइम बता तो 9:30 बज रहा है अभी, और मैं क्या लेके बैठी हूँ एक सेकंड दिखाती हूँ। मेरी सारी नेल पेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये एक एक्स्ट्रा, ये कोटिंग वाला मैं लाई थी लेकिन ये खत्म हो गया, अभी नया लाना पड़ेगा। कितनी हुई, 16 हुई ना, हाँ 16 जैसी हुई। और ये नेल रिमूवर के पेड्स है, तो वो है, बाकी इसमें से बहुत सारी तो सूख गई है, देखो दिख रहा है, ये देखो इसका कलर डल हो गया है, ये तो पूरी सूख ही गई है लगता है, ये भी सूख गई है, अभी कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है वो देखते हैं, बाकी अभी नेल पेंट करते हैं। चलो इतनी नेल पेंट है ना, ये सब सही है, ये 3 बिगड़ गई है, 3 को फेंक देते हैं अपन लोग, और इतनी सही है, तो इसको भी नीचे लेके जाते हैं और नीचे जाके नेल पेंट करते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी लाइट्स। देखो भाई नीचे नेल पेंट लेके आई और इतने सारे नेल रिमूवर ख़राब हो गए, मैंने बहुत सारे नेल पेंट लगे लेकिन मेरे को कोई जमी नहीं रही है। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ये वाली, और ये भी ना जमी तो ये वाली, या फिर ना सिर्फ 5 उंगली में अलग अलग ही कर डालूंगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी ये कलर किया है, अभी कल शायद चेंज कर दूंगी, बाकी अभी मेरे को बोर हो रही थी ना तो ये कलर कर दिया, और उसको पता था कि मैं उसको लूँगी इसीलिए उसने अपना मुंह छुपा लिया, काले काम करने वाले हमेशा मुंह छुपाते हैं आंसू। और ये क्या खा रहे थे पता है, ये चॉकलेट, ये सब कुचर कुचर खाती है, खाने का कुछ नहीं खाती है, किस कोली कौन ही आरती उतारा, जगनी के फ्रूटनी एनर्जी ऑरेंज खत्म हो गई आंसू, आज क्या पियेंगे हम लोग, 2 पड़ी एक एक खा लेते हैं। आज हम लोगों ने राइस है ना ये मिट्टी की कढ़ाई में बनाया है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही बढ़िया बना, और स्मेल भी बहुत मस्त आ रही है। बाकी इसमें दाल है जो बॉईल हो गई है, इसको दाल फ्राई बनाएंगे अपन, और मैं है ना इधर कुछ खाने बैठे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, और ये बुतड़ा
अभी पूरे घर में बाल गिराएगी ये और फिर मम्मी की डांट खाएगी। इतना सज क्यों रही हो? एजी ओजी आ रहा है इसके कल। लंच वगैरह करके मैं ऊपर आ गई। आज लंच में मैंने खाया राइस सब्जी एंड रोटी। जी हाँ, मैंने आज खाया राइस और सब्जी। मैंने कॉबी की खाई, कॉबिज बोलते हैं, कैबेज की सब्जी खाई, चटनी खाई, वो सब खाया। और मैं मेकअप करके नीचे चली गई थी तो लाइनर तो मेरी निकल गई लेकिन लिपस्टिक हल्की हल्की सी लग रही है। तो अभी मैं आई हूँ सोने के लिए। और कल रात को प्रेरक सर ना लेट आए थे तो मेरे लिए ना रिश्वत लेके आए थे। रिश्वत में क्या लेके आए थे? 2 5-star लेके आए थे। तो अभी वो मैं खाऊंगी, मुंह मीठा करूंगी, उसके बाद ना आराम से सो जाऊंगी क्योंकि अपन ने रील बनाने का काम तो सुबह सुबह ही कर दिया। तो अभी अपने पास कुछ काम है नहीं तो अपने सो जाएंगे। 7 बज रहे और घर की हालत कुछ इस तरीके से। मम्मी थोड़ी सी हरी सब्जियां लाए थे, ये पुदीना है, वो धनिया है, वो सब मम्मी कट कर रहे हैं। बाकी घर एकदम क्लीन कर दिया है। इस सोफ़ा सेट पे भी हम लोगों ने सब हटा दिया है और इधर कवर डाल दिया है और वो अपना काम कर रही है। क्यों कर दिया है? क्योंकि भाई कल मेहमान आने वाले हैं घर में, इसीलिए सब थोड़ा सा साफ़ सुथरा तो रखना बनता है ना, इसीलिए साफ़ सुथरा किया। अभी मैं जाती हूँ ऊपर, मेरे ये वाले कपड़े ऊपर रख के आते हुए और मम्मी के रूम में मम्मी को दे के आते क्योंकि मम्मी ऊपर है। मैं मेरी जगह पे बैठ गई हूँ यहाँ पे। आशु खड़े होके बनाएगी पराठे और मैं तो बैठ गई हूँ भाई अपनी खिड़की के पास और वहाँ पे मम्मी बेलेंगे सब। वहाँ पे देखो वो स्टफिंग्स आलू पराठे की, आलू का आटा और ये सूखा हुआ आटा मम्मी देंगे और आशु भी बैठ गई। चलो भाई अपनी जगह पे। आशु तेरे चश्मे में सब दिख रहा है। ऑलमोस्ट पराठे बन गए हैं। प्रेरक सर आज भी लेट आने वाले इसलिए उनके एक्स्ट्रा करके रख रहे हैं। बाकी मेरे, मम्मी के, आशु के, पापा के और दादा के पराठे बन गए, बस अभी 2 और बाकी है। अपने आलू पराठे रेडी है, उसके साथ केचप सॉस बोलने जा रहे थे, सॉस भी बोलते हैं, और ये हरी चटनी भी रेडी है। बस अभी पापा का इंतज़ार है, वो आए तब। बाकी ये डेजर्ट में ये भी रेडी है, नेचुरल डेजर्ट हमारा, ये मेरा और ये आशु का। आशु थोड़ी काली है ना इसीलिए उसको काली ग्रेप्स पसंद है। क्यों आशु? आस्था बहन 11 बज रहे और मैं ऊपर आएगी फ्रेशन अप होके, जस्ट बाहर ही निकली हूँ ब्रश वगैरह करके। और आज भी प्रेरक सर लेट आने वाले हैं, आज भी फैक्ट्री में नाइट चल रही है भाई, तो पता नहीं वो कितने बजाएंगे। मैंने जैसे उनको फोन किया लेकिन वो फोन पिक नहीं कर रहे, शायद से ट्रॉली वॉली में सामान लोड करा रहे होंगे। तो कोई नहीं, अभी अपने उनकी वेट करते हैं बैठते हैं या फिर से इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। बाकी आज का ये छोटू सा व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का मेरा ये पर्सनल व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो दूसरा छोटा चैनल। मिलती है आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।